मैं कितना कुछ इमेजिन करती हूँ एंड आई एंड अप बीइंग दिस ब्लैंक पीस ऑफ पेपर. 10th of October yesterday more than half of the people are celebrating something or the other. कोई कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, कोई कहीं और खुशी मना रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई गोद भराई की रसम कर रहा है, तो कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. इनफैक्ट मेरे खुद के नेबरहुड बच्चे का बर्थडे था एंड वैक्सीन लेकर हम बस बैठे थे आराम करते हुए एंड आई केम अक्रॉस दिस रिव्यू ऑफ हाउस ऑफ सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्री. और मैंने सोचा कि मैं डॉक्यूमेंट्री जो देखती हूँ नहीं, सोचा देख लेते हैं. सो हमने खोली डॉक्यूमेंट्री, अप्रॉक्सीमेटली 45 to 46 minutes के 3 एपिसोड्स में डिवाइडेड है पूरी डॉक्यूमेंट्री. एंड उसके बाद मैं जितनी बची बुची जिंदा थी ना इसे पूरी अंदर सुकुड़ के बैठ गई और मेरा दिमाग इतना दौड़ा. इफ यू आर सपोज टू गो एंड वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री, रूल नंबर 1, रात को नहीं देखना, नींद के वादे लग जाएंगे. रूल नंबर 2, किसी को साथ लेके बैठना और उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा जरूर करना कि आपको उसमें से क्या समझा. दैट विल रियली हेल्प यू कॉम योर ब्रेन डाउन एंड दिस इज वॉट आई पर्सनली डिड एंड दैट वर्क फॉर मी. इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये ट्राई करना. इफ यू आर ट्राइंग टू डाइवर्ट योर माइंड आफ्टर वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री टूवर्ड्स वॉचिंग सम कॉमेडी सीरीज और सम अदर सीरीज, ट्रस्ट मी द एलिमेंट्स विच वर बैडली एक्सपोज बाय द इंसिडेंट आर गोइंग टू हॉन्ट यू. एंड व्हेन आई से हॉन्ट यू आई एक्चुअली मीन हॉन्ट यू. सो बेटर डोंट ट्राई दैट, डिस्कस करो देन मोर. एंड अगर आप ये वीडियो जो है वो डॉक्यूमेंट्री देखने से पहले देख रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि डोंट, क्योंकि बहुत सारे स्पॉयलर्स आने वाले हैं आगे. सो पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, स्पॉयलर्स आएंगे. कृपया करके पहले डॉक्यूमेंट्री देख लें, बाद में इस वीडियो पे प्रवेश करें. थैंक यू सो मच. So unlike any other normal person, I decided to go and watch something that I usually don't watch. मैं usually documentaries नहीं देखती क्योंकि मुझे पता है कि एक बार मैं अगर ऐसी किसी चीज़ में चली गई तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल होते हैं, मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस उभर रहे होते हैं, मेरे अंदर बहुत सारा क्यूरियोसिटी जाग जाता है कि मैं अलग अलग जगह जाके ढूंढूं कि ये क्या है, क्यों है, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, किसने इसको किस एंगल से लिया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसके साइके में क्या था, उसके साइके में क्या था, इसके दिमाग में ये नहीं आया, उसके दिमाग में वो नहीं आया. एंड दैट लीड्स टू मी इमेजिनिंग रियली स्ट्रेंज थॉट्स इन माई माइंड. आई लिटरली एंड अप इमेजिनिंग थिंग्स कि व्हाट इफ दिस वुड हैव बीन द केस, देन हाउ वुड हैव इट बीन अनफोल्डेड, जस्ट लाइक हाउ वी सी इन मूवीज. तो मेरे दिमाग में मूवीज चलने लगता है अलग अलग and that becomes such a troubling thing for me that it becomes really tough for me to get out of it and come into normalcy, the life which I am like normally living around me. इसीलिए मैं decide करती हूँ कि मैं इन सारे चीज़ों में ना घुसूँ ज़्यादा. I prefer not to go in it because then I end up asking too many things, then I end up thinking too many things. मतलब जो चीज़ें मेरे आजू बाजू की रियलिटी में फिट भी नहीं होती मैं वैसी चीज़ें मेरे आजू बाजू इमेजिन करने लगती हूँ, विच इज़ हॉरिबल. सो आई एंड अप नॉट गोइंग इन टू दैट डायमेंशन एट ऑल. कल मुझे क्या हो गया मुझे खुद को नहीं पता. मैं गई, मैंने ये सीरीज खोली, मैंने इन वन गो पूरी सीरीज देखी एंड नाउ आई फील एज इफ मेरे अंदर का एक हिस्सा जो है वो कॉन्स्टेंटली मेरे आजू बाजू के हर एक इंसान को, हर एक चीज को डबल टटोलेगा मटोलेगा. लिटरली मैं नवरात्रि को भी टटोल रही थी, पता है, इट वॉज दैट बैड. एंड दिस कुड हैपन विद एनीवन.
कोई बोलेगा यार पागल हो गए, कोई बोलेगा यार क्या है ये, क्यों है ये। एंड अदर पीपल लाइक माय मॉम विल कम एंड से ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी क्या। बट द सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस वाज अ डॉक्यूमेंट्री, मानी रियलिटी में ऐसा हो चुका है 2018 में। 1 जुलाई 2018 की सुबह 1 बजे ये हो चुका है, पूरा देश दहल गया था और न्यूज वालों को कंटेंट मिल गया था। सो इस डॉक्यूमेंट्री से मैं क्या डिटरमाइन करती हूँ, एब्सोल्युटली अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेबर्स दे हैड रियली क्लियर विजन कि नॉर्मल जॉइंट फैमिली है, सबके साथ मिलजुल के बात कर रहे हैं, सबके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबके साथ हंसते खेलते हुए टाइम स्पेंड कर रहे हैं। द रिलेटिव्स हू वर स्टेइंग फार अवे उनको भी नहीं लगा कि ये कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, दैट मीन्स दे वर एब्सोल्युटली नॉर्मल पीपल, चलते फिरते लोग जो हमें हमारे आजू बाजू दिखते हैं, हमारे नॉर्मल। लाइक इमेजिन दिस, योर रिलेटिव्स कम, यू ग्रीट देम, यू इंटरेक्ट विद देम, यू स्पीक विद देम, एंड आफ्टर फ्यू डेज यू कम टू नो दैट दे डाइड इन सच हॉरिबल सर्कमस्टेंसेस। समझ रहे हो ये कितना भयंकर इल्यूजन है कि ऐसे चीजें सिर्फ पागल लोग ही करेंगे या ऐसे लोग ही करेंगे जो विजिबली अलग बिहेव करते हैं। नो, एब्सोल्युटली इनटू द एटमॉस्फेयर, एब्सोल्युटली इनटू द कॉर्पोरेट फील्ड इन टर्म्स ऑफ द किड्स, एब्सोल्युटली इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल बिजनेसमैन होम वी सी अराउंड अस, दे हैड अ बिग शॉप ऑफ दिस व्हिच वाज रनिंग सक्सेसफुली, एंड उनके फैमिली की सीक्रेट ये दैट दे have an innate following of a spirit patriarchally controlling their family. पहला illusion जो चला जाता है वो ये कि ये लोग थोड़े पागल लोग थे, नहीं थे, अच्छे खासे लोग थे। दूसरा, कोई तो बहुत बड़ी tragedy हुई होगी पूरे परिवार में। tragedy हुई थी लेकिन बहुत पहले, और उसके बाद सालों से हाउ दे वर कोपिंग अप विद द ट्रेजेडी कलेक्टिवली थ्रू दिस इमोशनल थिंग दैट दे हैड इन देयर फैमिली। पता कैसे चला? डायरी से। इमेजिन इफ नन ऑफ दैट वाज रिटन इन द डायरीज एट ऑल, पता ही नहीं चलता कि किसी ने ये क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। थर्ड थिंग, ये काम सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं। ना जी, परिवार में पढ़े लिखे लोग शामिल थे, and they were the documenters. So no, not at all. चौथा, कोई तो series of haphazard events में इंसान ने फैसला किया कि वो ऐसा कुछ तो abrupt करेगा, जैसे बहुत सारे newspapers में होता है, लिख के आता है ना कि financial crisis से इसलिए फार्मर ने suicide कर ली, परिवार को अकेला छोड़ दिया, या debt नहीं clear कर पाए इसलिए घर के मुखिया मुखी ने बच्चों का मर्डर करके खुद खुदकुशी कर ली। नथिंग, 14 दिन पहले एंगेजमेंट हुई है वहाँ पे एक लड़की की, खुशी का माहौल है, उसके बीच में दे आर डूइंग दिस। सो एवरी इल्यूजन दैट वी हैव टूवर्ड्स कमिटिंग समथिंग लाइक दिस वॉश्ड ऑफ, कुछ नहीं है, क्या करेगा इंसान। आए तो सोसाइटी के नॉर्मल विजन में, हमारे नॉर्मल इल्यूजन में जितनी भी चीज़ें थी हमारे सामने कि ये हो सकता है, वो हो सकता, या ये हुआ होगा या वो हुआ होगा, सारे वॉश्ड ऑफ। मर्डर ही हो सकता है, सब लोग तो खुशहाल थे, सब बड़े अच्छे से चल रहा था, पढ़े लिखे लोग थे, इतने कमज़ोर तो नहीं थे। इफ़ यू हैव वॉच्ड द फर्स्ट एपिसोड, दिस इज़ व्हाट दे फाउंड आउट। Second thing that came into it was how bad mental health could go haphazardly wrong. I have been through like this small, not small, somewhat up down consistent case of depression, and I understand ki uska agar ghar mein koi ek bhi member mentally emotionally traumatized hai या साइकोलॉजिकली उसके ऊपर कोई असर हुआ है, इधर दे स्टे इन डिनायल
और दे स्टे इन एक्सेप्टेंस, चाहे जो हो पूरा परिवार सफर करता है, बिकॉज उस इंसान के स्टेट को संभालने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट सबको लेनी पड़ती है, और अगर कोई वो एफर्ट नहीं ले रहा है देन दिस पर्सन गेट्स द रॉटन सेल्फ दैट ही और शी बिकम्स, होम वी कॉल लीस्ट नार्सिसिस्ट वर्स्ट और क्रिमिनल। इसलिए मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, जो लोग नहीं लेते हैं अनफॉर्चुनेटली ना, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बट इन जनरल नहीं लेते लोग सीरियस। लोगों को लगता है हाँ पागल होना चाहिए कोई इंसान, तब हम बोलेंगे कि हाँ इसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। पागल भी इन द सेंस इज इम्पल्सिवली डूइंग सम हार्श एक्शंस, इज इम्पल्सिवली डूइंग समथिंग रियली एंग्री टूवर्ड्स अदर्स। ना मेनी अ टाइम्स जब इंसान अंदर से ऐसे डिस्टर्ब होता है या इंसान अंदर से ऐसे तकलीफ में होता है ना, तब उसकी जो तकलीफ बाहर वो निकालने की कोशिश करता है ना, मोस्टली द पर्सन फर्स्ट सर्चेस अ सेफ नेट टू डू दैट, इधर अ सेफ नेट और अ स्टिमुलेशन। अगर उसे एक सेफ नेट मिल जाता है वो नॉर्मली एक्सप्रेस करता है, अगर वो एक्सट्रीम एक्शन में बनता है देन इट इज लिटरली एन इम्पल्सिव स्टेप, हार्श स्टेप, हैवी स्टेप विच कुड लीड फ्रॉम कोई भी चीज फेंकना टू सच हीनस थिंग्स। इसलिए मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, विच पीपल ऑफ आर कंट्री स्टिल आर नॉट टेकिंग एन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। बहुत से लोग व्हाइल आई वाज लाइक गोइंग थ्रू दिस रिव्यू, वंडरफुल रिव्यू बाय जामी पांच, एंड उसके नीचे कमेंट्स जो मैंने देखे दे वर ऑल समवेयर डाउन द लाइन ट्राइंग टू, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है दे वर ट्राइंग टू लाइक पोर्ट्रेट इन अ मूवीज फॉर्म एंड नॉट एज समवन हु इज सिटिंग एंड हैविंग अ कन्वर्सेशन टाइप ऑफ फॉर्म। सो उसमें कमेंट्स में नीचे था कि यू नो ललित का, ललित जो बंदा था ही वॉज द विलन, बट एट द कोर ऑफ ऑल ऑफ दिस जानबूझ के किया होगा या नहीं किया होगा जानबूझ के, इन सब के बॉटम लाइन में था उसका ट्रॉमा विच वॉज नॉट क्योर्ड, विच वॉज नॉट इवन वेरी पेड अटेंशन टू, एंड स्टिल ही वॉज बर्डन्ड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर फैमिली। इट्स इक्वल टू सेइंग कि एक अपाहिज इंसान को हम कह दें कि भाई तू पूरा घर चला, बाहर के काम भी तूने ही करना है, घर के काम भी तूने ही करना है, तेरे काम भी तूने ही करना है, और तेरे बाकी घर के मेम्बर्स को भी तूने ही संभालना है। नाउ यू इमेजिन हाउ दैट वुड गो, इट्स नथिंग लेस देन दैट एंड इट कैन बी अ लॉट मोर देन दैट। The third episode, so there was this one head member of the family जिसके फैसलों पर पूरा घर चल रहा है, and that member goes away. Now the family is being accustomed to listen to this one person, take the advice from this one person and then follow it. And someone else says that I have the power and the capability of talking with that person and calling that person in and then going on with things and then things happening properly for everyone and things settling down. Then they end up with the thinking, haan bhai kuch to baat hai. We as humans, since the beginning of our evolution, have always been in this state of trying to get an answer from someone higher above us, either a chosen leader or someone who is knowledgeable than us or someone who has more insight in a particular thing than compared to us, chahe fir wo monarchy ho ya wo rajashahi ho ya wo dictatorship ho ya fir democracy bhi ho, we tend to look at people at higher position than us. I guess same is the mentality in chimpanzees as well. They elect a leader, they fight amongst each other, find a leader, they have a leader, and that leader gives them advice and everyone follows that. This innate thing of searching an answer from someone senior is ek human emotion ka gair fayda
पॉलिटिकल लीडर्स उठाते हैं, सेलिब्रिटीज उठाते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज उठाती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उठाती है, कल्ट लीडर्स उठाते हैं, एट द सेम भूख प्यास की, हाँ सामने वाले इंसान ने हमको कुछ करने बोला है, हम करके देखते हैं, इफ इट वर्क्स फॉर अस इट इज फॉर अस, दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली राइट एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड, एंड विद द सेम मेंटालिटी ये उनके घर के घर में ही इवॉल्व होने लगा। हम यहाँ से बैठ के देख के बोल सकते हैं कि हाँ इट वॉज अ कल्ट फॉलोइंग, इट वॉज स्टूपिड, इट वॉज ब्लेटेंट, लेकिन इमेजिन दिस हैपनिंग, हम बैठे हैं, हमें एक इंसान एडवाइस देता है, वी फॉलो दैट, इट वर्क्स फॉर अस, वी अगेन गो टू दैट पर्सन, दैट पर्सन अगेन गिव्स अस अनदर गुड एडवाइस, वी फॉलो दैट, अगेन गुड थिंग्स हैपन टू अस, व्हाट डू वी क्रिएट अ ब्लाइंड ट्रस्ट फॉर दैट पर्सन कि हाँ ये बंदा ने बोला है, इसको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, एंड आई विल फॉलो दैट, won't that be an illusion in your brains? Of course it will be, right? And that was exactly what was happening in the family. They were missing the head of the family. They say they came in a very different form to talk to them. They saw ki haan hamara bhala ho raha hai yaar cheez mein, and they blindly went behind it, similar to a cult. But as all cults end, so did this. There was this one point pointed out in the entire series which speaks about, बोला जाता है कि घर में सीक्रेट्स रखने चाहिए, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, घर से बाहर जानी नहीं चाहिए, एंड दैट बोल्ड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इज ब्रेकिंग आउट नाउ। तो घर के अंदर में रहते उनको लगता है हाँ घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं रहनी चाहिए, बट वेन दे आर ट्राइंग टू डिस्कस थिंग्स एंड दे आर कमिंग टू नो कि ओके हैवी पॉसिबिलिटी कि दिस इज नॉट द रियलिटी, चीज़ें ऐसी ही नहीं होती, चीज़ें अलग भी हो सकती, चीज़ें अलग डायरेक्शन में भी जा सकती है, चीज़ें अलग एंगल भी ले सकती है। बिकॉज दिस वॉज अ टर्म दैट वॉज कॉन्स्टेंटली यूज थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्री in the second and the third episode. It spoke about psychosis, that it is when people lose contact with reality. This might involve seeing or hearing things that other people cannot see or hear, hallucinations, and believing things that are not actually true, delusions. What is a shared psychotic disorder? A shared psychotic disorder is a rare type of mental illness in which a healthy person starts to take on the delusions of someone who has a psychotic disorder such as schizophrenia. Schizophrenia, which people interpret reality abnormally. Schizophrenia may result in some combination of hallucination, delusions and extremely disordered thinking and behavior that impairs daily functioning. That can be disabling. Imagine someone who has gone through that level of trauma is seeing things around him or her. All the responsibility is on him or her. And his brain subconsciously trying to bring out such things in front of him. Now imagine the entire family asking a person who is subconsciously or you know who has been through that level of trauma and then coming up to suffer psychosis, and now they all are going in this collective psychosis and they feel that spirituality hai, ye to spiritual hai kyunki pitaji aake humse baat kar rahe hai, unki atma aake hamare sath contact mein hai, that means this is spirituality. You see a thin line between delusion and being spiritual? यहाँ पे गूगल पे स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन बोल रहा है, द क्वालिटी ऑफ बींग कंसर्न्ड विद द ह्यूमन स्पिरिट और सोल एज ऑप्रेस्ड टू मटेरियल और फिजिकल थिंग्स। एज मच एज आई अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, एज मच एज आई हैव सीन स्पिरिचुअलिटी ऐसा ऊपर ऊपर से, spirituality comes to seeing life, element, energy in each and every bloody thing around you and having compassion towards it. So, वो जो
बाकी की टर्म जिसको बाहर के लोग बोलते हैं ये क्या बोले इसने, आई एम द यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज मी, क्या बोल के नहीं ये, इट्स सिंपल, जो तुम्हारे अंदर एनर्जी है वही एनर्जी सामने वाले लैपटॉप में भी है, सो यू बोथ आर कनेक्टेड. Now, one aspect in spirituality which is often being mentioned a lot, commonly, ऐसा फेंका जाता है उस शब्द को पूरे दुनिया भर में, that is love, प्यार. If you go try to listen to any spiritual person talking about love, they don't tend or ask you to do any such practice which is against your mental health, against your physical health, against your emotional well-being. None. In fact, spirituality talks about loving the vessel in which you are, acknowledging the emotions that you are facing. अगर कोई भी activity, कोई भी बाहर का आदमी अगर बोलता है कि that your emotional well-being will be hurt, your mental well-being is going to be hurt, your physical well-being is going to be hurt. बट यू हैव टू डू दिस सो दैट कोई प्रसन्न हो जाएगा, पहले वहाँ से भागो, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज समवन ट्राइंग टू गेट यू इंडल्ज इन टू समथिंग दैट प्लीजेस देम एंड नॉट यू, समझ रहे हो, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. ओके, और ये बात आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं समझ में आती है. यू कांट बी ब्लाइंड इनफ टू एक्सेप्ट एनी थिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू थिंक एंड री थिंक, यू हैव टू, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. और ये जो हैव टू वाली चीज है ना, ये पेन है, फिजिकल हार्म, इमोशनल हार्म, मेंटल हार्म टू गेन समथिंग इज नॉट दैट, डजंट लुक लाइक दैट, डजंट फील लाइक दैट. उस तकलीफ को कॉन्टेम्पलेट करने के लिए नहलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट पेन इज एन इनएविटेबल ट्रुथ, यू हैव टू फेस पेन टू गेन समथिंग बेटर. हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है हमें पेन से बचाने के लिए, हमारा क्या बोलते हैं ब्रेन सिस्टम बना हुआ है हमें अननोन फियर्स से बचाने के लिए, एंड दैट हैज बीन थ्रू एवोल्यूशन एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. अभी उसकी उतनी ज़रूरत है या नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि फ्यूचर मैंने देखा नहीं है, नहीं क्योंकि फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है, फॉर दैट मैटर मेरा छोड़ो, किसी ने भी फ्यूचर नहीं देखा है, सो वी डोंट नो वेदर ये इम्पल्सेस हमें आगे जाके काम आएंगे या नहीं. बट If we have a proper research, if we have a proper study, अगर समझ में आ रहा है कि this is something very unusual, this is not something that is practically plausible, that is a clear warning sign. Also, there's this one more thing which I guess I am glad that I read Shatab's book, and it clearly said that a person whom you have kept at a higher position than yourself, यू सबकॉन्शियसली क्रिएट दिस थिंग इन माई माइंड कि वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता, वेन एज द रियालिटी इज वो गलत हो सकता है. एंड वेन इट कम्स टू दिस केस, माई गुडनेस, वो बंदा खुद अपने ट्रामा से कोप अप करने के लिए साइकोसिस में, डिल्यूजन्स में, पता नहीं किस में था. Outcomes that come out of a person's mind when they are psychologically, they have personally gone through something, or they have personally seen things in a different way, and they have like processed it in their minds in a very different way, and that aur uska jo result bahar aata hai, that is an entirely third thing. Consciously, subconsciously, sari cheeze hamare andar hoti hai, and they do come out like that. मतलब उनको लगा कि उनका जो भी दर्द है, उनका जो भी तकलीफ है, वो स्पिरिचुअलिटी दूर करेगा. श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ, अपने अंदर के अच्छे बुरे सभी चीज़ों को हमारे ऊपर ऐसे सामने लाता है, दैट्स इट. उसको कैसे डील करना है, यू हैव टू यूटिलाइज योर रैशनल ब्रेन फॉर इट. तुम्हें इसको पकड़ के रख के इसका ग्रज बना के सामने वाले इंसान के ऊपर उसको फेंकना है, या तुम्हें इसको, या तुम्हें भूलना है उन चीज़ों को और आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, या तुम्हें समझ में लेनी है इस बात को कि हुआ है, दर्द भरा है, इससे बाहर निकल के एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, इट्स अप टू यू.
सो आई विल नॉट गो एंड से कि ये बंदा एनिमी था या इसने जानबूझ के ऐसे किया. आई विल नॉट गो एंड से दैट, बट आई विल डेफिनेटली से दैट रादर देन टेकिंग इट इन अ पर्सपेक्टिव कि हाँ ये कुछ हद तक ठीक है लेकिन काफ़ी हद तक ये सही भी नहीं है. रादर देन टेकिंग इन दैट डायरेक्शन यू लिटरली वेंट विद द फ्लो कि इससे हमारा सब कुछ हो रहा है तो यही हमारा भगवान है. तुम लिटरली भगवान का क्रेडिबिलिटी डिसमेंटल कर रहे हो अंडर द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी व्हेन यू आर हार्मिंग योरसेल्फ अंडर द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी व्हेन यू आर हार्मिंग योर इमोशनल वेलबींग अंडर द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी व्हेन यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ एंड नॉट बीइंग योर ओन सेल्फ व्हाट यू आर मेड ऑफ व्हाट यू आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट इज योर फॉर्मेशन. इम्प्रूव करना सुधारना है लेकिन गलती क्या है ये समझने से ये समझना भी जरूरी है. एंड यू हैव टू यूज योर रैशनल ब्रेन्स अलॉन्ग विथ योर सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बिलीफ. यू कांट जस्ट सिट देयर कि हाँ इन्होंने बोला है तो ये सच्ची होगा सही होगा इसके हिसाब से ही चलते हैं. नो इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू हैव टू रीथिंक ईच एंड एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग. यू हैव टू रीथिंक ईच एंड एवरी एक्शन दैट यू आर टेकिंग. यू कांट बी ब्लाइंड इनफ. पता नहीं मे बी मैं जो कह रही हूँ दैट माइट बी हाफ बेक्ड. Maybe मैं जो कह रही हूँ that might not be properly built up sentences. Maybe मैं जो कह रही हूँ that might not be properly culminated, systematically thought about कि बाबा इस बंदे ने इस बात को लेकर systematically सोचा, lines लिखे ढंग से और फिर उनको present किया. Maybe it might not be that. Maybe the information might sound to some people as half-baked. Many people might disagree because I have seen more better explanations of what I'm trying to say. Okay. Yeah. So I have seen better conclusions being derived out of these things. I have seen better answers derived out from these things. But I am just trying to put myself, okay? I'm just trying to, you know, pitch out some ideas. There was this point later in the discussion which did speak about inside the entire documentary that everything should be discussed. इसको यहीं पे बंद करके छोड़ना नहीं चाहिए, हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए. हाँ डिस्कस करना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम है सोसाइटी डिस्कस नहीं करती. I'll tell you what all aspects should be discussed. If you want to have a person, a head person of the family, you need to ensure how well the head of the family is. हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस है, हर इंसान का अपना अपना सेट ऑफ थॉट प्रोसेस है, हर इंसान का अपना अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, हर इंसान का अपना अलग पर्सपेक्टिव है. एवरीथिंग कैन बी ब्रॉट अप टू द सेम टेबल, कैन बी प्रॉपरली डिस्कस्ड एंड देन बी ब्रॉट टू अ कंक्लूजन. इंसान एक लेवल पे भले ही एक जैसा हो फिर भी उसी लेवल पे ही हैज हिज यूनिक सेल्फ ना. He has his unique self. She has her unique self. They have their unique self. And that helps in a very healthy decision making. People, first of all, don't take spirituality in a positive light. They don't at all. Because उन्हें लगता है कि क्योंकि उन्हें डर लगता है ना कि हम delusion में चले जाएंगे and we'll not stick to practical reality. Whereas, but spirituality is actually trying to bring this thing in practical life that every person wants to be loved. And if you want that happening with you, you need to give similar input as well. That is why you need to have compassion for everything around you, including yourself. Societal point of view से तुम्हारा हर एक सोसाइटी का इल्यूजन तुम्हारे आज सामने जो है पढ़ा लिखा इंसान होगा तो ऐसी चीज में नहीं फंसेगा ना, फंसता है क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन उसके अंदर एक भूख और प्यास होती है दैट ही गोज एंड फाइंड्स अ कंक्लूसिव आंसर कि इस एक जवाब से मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इस एक जवाब से हर मुश्किल हल हो जाएगी. देयर इज दैट इनेट भूख और प्यास. द मोमेंट यू आर ओपन टू अदर पर्सपेक्टिव्स यू कैन ऑटोमेटिकली सी व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट. यू डोंट हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर a particular thought line and go according to that. Now I'm actually losing my voice, now I'm actually losing my mouth, and now I'm actually losing my thought line, entire thought line. Unscripted videos, bad idea for me.
could determine from the documentary, nothing around you is what you see it to be. You need to be open to all the good and the bad possibilities. Please, 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 साइंस को इग्नोर मत करो. और स्पिरिचुअलिटी में अगर जाना ही है तो इतना भी मत चले जाओ कि तुम्हें समझ में ही नहीं आए कि तुम्हारा भला कहाँ हो रहा है और तुम्हारा नुकसान कहाँ हो रहा है. सोशल एंगल इन दिस, ऑल योर प्रीसेट नोशंस आर फेक. ऑल योर प्रीसेट नोशंस व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ आर फेक. ऑल योर प्रीसेट नोशंस व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी आर फेक. ऑल योर प्रीसेट नोशंस व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस एंड सच क्वेश्चंस, यू डोंट हैव एन बेसिक आंसर फॉर इट. You are in an age, you are at a time where you are searching answers for it. So be ready for any type of answer that you get. Family dynamics. बाहर की दुनिया के साथ घुलो मिलो, समझ में आएगा mental health issues क्या होते हैं, financial issues क्या होते हैं, reality क्या है. अलग अलग perspective से तुम्हारा knowledge बढ़ता है. Social होने से तुम्हारा knowledge बढ़ता है. You can actually practically see what things are, how things are, rather than you seeing them through the vision of one particular person or through the vision of one particular mindset. नहीं होता है ऐसा. सोशली रहोगे तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे आजू बाजू की दुनिया एक्चुअली क्या है. सो दैट्स इट, हो गया मेरी तरफ से. और बोलने की मेरी इच्छा नहीं है. अभी मैं फिर से पेन लेगी पिंक कलर का और तुम लोग को बाय बाय बोलेगी. प्लीज इनको शाबुत रखो. और सामने वाला इंसान जो बोलता है उसको अंधाधुंध फॉलो मत करो. आस्क क्या है ये, क्यों है ये, इससे सही होगा या नहीं. और अगर तुम लोगों को प्यार से ही रहना है तो इससे किसी का या मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा, ये सोचो. ठीक है, ओके बाय.